डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में है सिम्प्लीफाई विद द हेल्प ऑफ कंसर्न आइडेंटिटी, यानी आप इसको क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करें जो आइडेंटिटी इसके लिए मौजूद है, जो इसके लिए कंसर्न है। तो इस तरह हमने पिछले लेक्चर में यह कहा है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है 4 आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, और उसको हमने प्रूव भी किया है, और फिर हमने उसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीखा कि किस तरह इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है x प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव। तो ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन विद हेल्प ऑफ कंसर्न आइडेंटिटी। तो इसको हम पहले देखेंगे कि ये कौन सा आइडेंटिटी है, फिर इसके बाद हम वही आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ही हमारे पास क्या है, टू फैक्टर हैं इसमें, टू टर्म है, फर्स्ट टर्म वेरिएबल भी है और पॉजिटिव भी है और सेम भी है, और सेकंड टर्म क्या है, इसका डिफरेंट है और कांस्टेंट भी है। तो हमने पढ़ा था कि जब दो फैक्टर हो, फोर टर्म हो, फर्स्ट टर्म सेम हो और वेरिएबल भी हो, पॉजिटिव भी हो, और सेकंड कांस्टेंट हो, चाहे उसके साथ प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, तो हमारे पास आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है। फिर हमने आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट को प्रूव किया था कि इसको हम किस तरह एक्सपेंड करेंगे। तो हमने एक्सपेंड किया था कि हम इसको इस तरह एक्सपेंड करेंगे कि जो एक्स है, इसका जो एक्स है इसका स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे, ये मस्ट है। फिर इसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट के बीच में कांस्टेंट को ऐड करेंगे, 2 + 5 है वो, फिर इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे और फिर कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और वो 2 और 3 है। अब हम इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इस तरह प्लस 2 + 5 = 7x प्लस 2 × 3 = 6, ये इसे क्या है, आंसर है। इस तरह अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें एक्स को एक्स प्लस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर प्लस 2 को एक्स प्लस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसके बाद सिम्प्लीफाई करें, तो यही आंसर इसे उसे भी आएगा। लेकिन हम जब देखें कि हमारे पास इस आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है, बस हम सिंपल इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट का स्क्वायर ले, फिर कांस्टेंट को ऐड करें और फर्स्ट उसके साथ मल्टीप्लाई करें या वेरिएबल मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस लगाए और 2 इन सेकंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करें। इसमें फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट टर्म, और लास्ट में सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किए हैं, और इस तरह कास्ट को फिर ऐड किया है और एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसे ये आंसर आता है। इस तरह हम आइडेंटिटी नंबर क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में किस तरह है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7, टू फैक्टर हैं। फैक्टर इसलिए है कि इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, और फैक्टर के लिए ज़रूरी है कि मल्टीप्लाई का साइन हो, क्योंकि ब्रैकेट भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रिप्रेजेंट करता है। इस तरह टू टर्म इधर इसमें भी है, और इस टू टर्म इसमें भी है, फर्स्ट और फर्स्ट वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल भी है, सेम भी है, और प्लस का साइन है, ये ज़रूरी है, और सेकंड है, कांस्टेंट है, और डिफरेंट भी है। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला नंबर सेकंड है, इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, सॉरी फार्मूला नंबर फर्स्ट है, यानी या आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है। तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट को हम इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि हम एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, यानी फर्स्ट का स्क्वायर लिखेंगे, और फर्स्ट इधर एक्स है, फिर प्लस का साइन लिखेंगे, ये मस्ट है, फिर इस ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें कांस्टेंट को ऐड करेंगे, और वो है प्लस थ्री माइनस सेवन, और फिर इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे और ये मस्ट है, इसके बाद प्लस 3 और माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। यह मैंने प्लस 3 नहीं लिखा, क्योंकि जिस नंबर के साथ कोई भी सिंबल ना हो उसके साथ प्लस का सिंबल होता है। इस तरह इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4, क्योंकि माइनस 7 से प्लस 3 अगर हम सब प्लस 3 अगर हम माइनस 7 के साथ ऐड करें तो माइनस 4 बनता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, और 4x प्लस जरबे माइनस 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 जरबे प्लस माइनस 3 × 7 = 21, तो ये क्या है, आंसर है। तो मतलब है कि आइडेंटिटी से हम शॉर्ट टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आइडेंटिटी का यही फायदा है। इसके बाद
अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि मतलब पोर टर्म हो, टू पेक्टर हो, फर्स्ट पर सेम हो और सेकंड सेकंड डिफरेंट हो, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह सॉल्व करेंगे बगैर मल्टीप्लिकेशन के। इस तरह क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस टू। तो अगर आप देखें, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है और ये भी हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। फर्स्ट और फर्स्ट सेम है, सेकंड सेकंड डिफरेंट है। इसमें फर्स्ट फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड सेकंड टर्म क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास वेरिएबल भी है, पॉजिटिव भी है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, फार्मूला नंबर फर्स्ट है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे इन सारे क्वेश्चन को। तो इसको हम फार्मूले के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। वी नो डेट इट इज़ यूनिटी नंबर फर्स्ट। तो क्या करेंगे कि एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे और फिर प्लस वन इन कांस्टेंट को लिखेंगे माइनस थ्री। अगर प्लस वन है तो प्लस वन लिखेंगे, अगर माइनस तीन है तो माइनस थ्री लिखेंगे और एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे, ये मस्ट है। और फिर प्लस वन या प्लस को ना लिखो, सिर्फ वन लिखो और इनटू माइनस थ्री। और फिर क्या है, माइनस है। याद रखे हमने पढ़ा था कि अगर एक ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन हो और इधर बी हो या माइनस ए हो, मतलब बी कोई भी नंबर हो सकता है, ए भी कोई नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब ब्रैकेट के सामने, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन हो, नेगेटिव का साइन हो, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका साइन चेंज करता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और ये माइनस है ये प्लस होगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। माइनस जर भी प्लस, माइनस भी माइनस इनटू माइनस, जब दो साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर प्लस आता है, तो प्लस ए। तो इस वजह से यहाँ भी क्या है, माइनस साइन है। तो हम ब्रैकेट को इधर जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके आगे हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं इसके बाद हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हम माइनस लिखेंगे और फिर इस तरह इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट है, फोर टर्म है, टू पिक्चर है, फर्स्ट फर्स्ट सेम है, सेकंड सेकंड डिफरेंट है और फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर और फिर प्लस फोर प्लस टू, मतलब है कि प्लस लिखेंगे और फोर प्लस टू को ऐड करेंगे और एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको बार बार करेंगे तो फिर इसके बाद हम ये फोर प्लस टू भी नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट हम सिक्स लिखेंगे और फिर इसके बाद प्लस का साइन लिखेंगे और फोर और टू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह इसको हम अब्सॉर्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस सॉरी प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस अरबी प्लस माइनस टू एक्स, और प्लस अरबी प्लस 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 अरबी माइनस माइनस वन जरबी थ्री माइनस थ्री। इस तरह माइनस लिखेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर और प्लस फोर प्लस टू प्लस सिक्स एक्स और प्लस फोर टू जर एट। इस तरह ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस इंटू, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है यहाँ जो भी, यहाँ आप इस तरह ये ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट या जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि मतलब ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई का सिंबल। तो जो भी टर्म, जो भी ब्रैकेट आप इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, माइनस इस सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इस तरह माइनस अरबे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अरबे प्लस माइनस सिक्स एक्स माइनस अरबे प्लस माइनस एट। सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं तो हम लास्ट टर्म को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब उससे हम मोनोमियल टर्म बनाएंगे। तो इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होते हैं, यहाँ माइनस टू एक्स है और यहाँ माइनस सिक्स एक्स है, तो माइनस एट एक्स, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म में हम कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे और बेस और एक्सपोनेंट कॉमन लेंगे। तो इधर बेस एक्स है और एक्सपोनेंट क्या है, वन है। इस तरह माइनस थ्री है और माइनस एट माइनस एलेवन, तो इसे क्या है, आंसर है। तो इस तरह हमने आइडेंटिटी कंसर्न आइडेंटिटी से इसको सॉल्व किया।